इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावुन किया है ये जो बेहुर्मती का इल्ज़ाम लगाया गया है हमारी बिरादरी के ऊपर, ये सरासर गलत है और झूठ है, और इसको मजहबी रंग दिया गया है। और इनकी सोच ये थी कि मज़हब की आड़ में हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे और अपने अजायम जो हैं वो पूरे करेंगे। और इनका अज़म ये था कि ज़मीन हथियाना, ये इसी सारे प्रोपेगेंडा का मरकज़ी ख्याल है कि ज़मीन हथिया जाए। उसके लिए ये आखिरी हद तक चले गए, कुरान की बेहुर्मती का इल्ज़ाम लगाया और ये हमें बदनाम किया, हमारी इज्जत को ख़राब किया गया और हमें इंतहाई तौर पे टॉर्चर किया गया। लिहाजा मेरी हुकाम बाला से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, वज़ीर आला साहब, आईजी, डीआईजी, डीपीओ, डीसीओ, जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इन ये जो ब्लैक मेडल लोग हैं उसमें से कारी मकसूद अहमद है और ये सलीम वट्टू साहब हैं, उमर हयात दीनदार है और फैसल हयात, ये जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, सहाफत के नाम पे एक धब्बा है और इस धब्बे को हमेशा हमेशा के लिए एक्शन लिया जाए और मिटाया जाए। अदरवाइज़ ये इलाके के दूसरे लोगों को हमेशा ब्लैक मेल करते रहेंगे और उनको ये तंग करते रहेंगे, इसका सदबाब किया जाए। मैं वज़ीर आज़म का मशकूर हूँगा अगर और सारे अबाब इख्तियार का कि अगर इसका एक्शन लिया जाए तो हम इनके अहले इलाका भी इनके शुक्र गुजार होंगे और मैं ख़ुद भी इनका शुक्र गुजार होंगा। कब्रों की मसमारी बाहसियत मुसलमान हम सोच भी नहीं सकते, और कुरान की बेहुर्मती, एक जितना भी जाहिल इंसान बाहसियत मुसलमान हो वो ये सोच नहीं सकता कि वो कुरान की बेहुर्मती करे। इन्होंने इनसे खुद पूछ के देखें, इन्होंने कुरान पढ़ा है, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलन रईतहु खाशियम मुसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतरता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। इनको क्या पता कुरान की तकद्दस क्या है, कुरान की अजमत क्या है, लिहाजा इनको इनको सजा दी जाए, वाकया करार सजा दी जाए और इबरतनाक ये आगे ऐसा एक निशान बना दिया जाए इनको सजा देकर कि ये जुरत न कर सके। जी आप मुझे ये बताएं जी, आप यहाँ पे जिस तरह के आप कह रहे हैं कि आपके बकौल के हमने कुरान मजीद के अवराद की बेहरमती नहीं की, ये बेहरमती दूसरे लोगों ने की है जो कि आपके खिलाफ मुदई बने हुए हैं, तो आपने इस हवाले से भी कोई काम किया है कि उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है या कोई आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उस हवाले से कोई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं, ये हमारा रकबा है और मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ हमारा आना जाना भी लगा रहता है। अच्छा, आज साफियों को यहाँ बुलाने का मकसद और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मैं आपको हकायक से आगाह करूँ, इसकी हकीकत का मैं इस तरह से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि ये जो इनका अजायम है और ज़मीन का हथियाना और ज़मीन पे कब्ज़ा करना, ये जो लोग हैं जो ये अजायम रखते हैं उनमें ये नुमान शेख साफ़ी है, फैसल हयात दीनदार साफ़ी है, सलीम वट्टू साफ़ी है और उमर हयात दीनदार है, मकसूद अराई है और अशरफ गुजर है। ये चंद एक लोग मिल के ये प्रोपेगेंडा करके और ख़ास कर ये इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ झूठी एफआईआरें कटवाई हैं, एक थाना हवेली कुरंगा में और दूसरा इसमें अरौती थाना में जो पीर मलक से मुनक्का है, इसमें इन्होंने झूठी एफआईआरें कटाई हैं और कुरान की बेहुर्मती का इल्ज़ाम लगा के ये हमारे ऊपर मजबूत मुनाफरत का एक सिलसिला पैदा करके ये हमें बहुत ही नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।
अब मेरा अरबाब इख्तियार से चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आला साहब, आईजी, डीआईजी साहब सबसे मुतालबा है कि इसका ये एक्शन लिया जाए। और इसके साथ साथ भी मैं इंशाअल्लाह ताला इनके सामने खड़ा हूँ, जो कानूनी कार्रवाई है मैं बिल्कुल करूँगा। मैं इनको आखिरी हद तक, मैं आप साफियों की मदद से और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बड़े एक नाजिक मौका पर और वेरी वेरी सेंसिटिव इश्यूज़ पर आपने मेरा साथ दिया और मेरी आवाज़ को हुकामे बाला तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका मशहूर हूँ और इंशाल्लाह कानूनी हिसाब से हम आखिरी हद तक जाएंगे और हम इनको ये बताएंगे कि हकीकत क्या है। बुनियादी तौर पे तो कुरान की बेहुर्मती आप लोगों ने की है और इसका इल्ज़ाम हम पर थोप कर अपने अज़ाम को पूरा नहीं कर सकते।